गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग सी में कल मैंने आपको एक एग्जांपल बनाने के दिया था। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बनाया, ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि स्कैनअप का यूज करके नहीं बन पा रहा था। आज मैं उसका एग्जांपल स्कैनअप के थ्रू क्लियर आपको बताऊंगा, ठीक। दूसरी बात, हम पढ़ रहे थे मैं ऑपरेटर, पहले देख लेते हैं ऑपरेटर कौन से में, एक ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं, इसके बाद लास्ट में मैं आपको एग्जांपल भी उसका आज बताऊंगा और नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दूंगा बनाने के। ओके, तो ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो इस समय जो हमने ऑपरेटर सीखे थे वो तीन ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अब जो आज हमको सीखना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और आज हम दो ऑपरेटर कवर करेंगे, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर को देखेंगे, दोनों ऑपरेटर का एग्जांपल सीखेंगे। ओके, इसके बाद तीन ऑपरेटर हमारे पास और बचेंगे। ओके, आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं तो इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ये जो इक्वल टू होता है इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ये हमारा कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू जो दिया होता है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जैसे हम इक्वल टू यूज करते हैं, असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में क्या करता है, असाइन करता है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू, राइट साइड मतलब इस साइड होता है, ये राइट है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो राइट साइड की वैल्यू किस में साइन होगी, लेफ्ट साइड में, ये आपको ध्यान देना है। राइट साइड की वैल्यू किस में साइन होती है, लेफ्ट साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, बी, बी की वैल्यू साइन होगी ए में, बी की वैल्यू जो भी होगी वो किस में साइन हो जाएगी, ए में। जैसा कि हम सिंपल लिखते हैं ए इक्वल 10, इसका मतलब क्या होता है, 10 में ए साइन होता है कि ए में 10, ए में 10 साइन होता है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ओके, ये राइट हुआ और ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। तो राइट की वैल्यू किस में साइन हो गई, लेफ्ट में। क्लियर हो गया होगा, ये ऐसे ही हमने यहां जैसे लिखा ए इक्वल टू बी, यानी कि बी की वैल्यू किस में साइन हो गई, ए। ओके, अब इसके साथ साथ इसमें कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज किए जा सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, यही असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इनको हम शॉर्ट रूप में भी असाइन कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। आप जब कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिखा, मान के चल तो हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, a बराबर a प्लस 1, आप बताइए, a की वैल्यू 10 है और फिर हमने a बराबर a प्लस 1 किया, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको कितनी मिली। सिंपल सी बात है, जो भी ए की वैल्यू, उसमें एक वैल्यू जुड़ जाएगी और ए में ही स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 11। क्यों, ए की वैल्यू 10 है, समझिएगा, ए की वैल्यू 10 का मतलब है ए इक्वल, हमने कितना लिखा, 10 प्लस 1। ओके, तो ए इक्वल कितना मिला, 11। ओके, तो ए देखिए, सिंपल, तो आप ए इक्वल 10 प्लस 1 किया तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 11। अब इसको हम शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते थे,
इस ऑपरेटर को जो हमने लिखा a इक्वल a प्लस वन, इसको हम शॉर्ट हैंड में भी बता सकते थे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में भी बता सकते थे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में क्या होता है, एट राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट, हमेशा प्रोसेस वही होगी राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट, एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट, और साथ में लेफ्ट में रिजल्ट भी असाइन हो जाता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल। प्लस इक्वल कैसे, जैसे आपने यहाँ देखा ये लिखा a प्लस बी, यहाँ पे हमने लिखा a प्लस इक्वल टू बी, यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो गए, a की वैल्यू मतलब a में b जुड़ जाएगा और वैल्यू भी किसमें असाइन हो जाएगी a, सेम है। इसी प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों स्टेटमेंट सेम, चाहे हम a लिख दें चाहे r करके, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे लिखूं a इक्वल a प्लस बी, मतलब क्या होगा a की जो भी वैल्यू है, यानी कि वैल्यू मान लीजिए 10 है और b की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो 1 10 11 और कितने साइन हो जाएगा a में, यानी कि मिलेगा 11। ओके, तो चाहे हम ऐसे यूज कर लें, ये लिख दें स्टेटमेंट, अच्छा है इसको शॉर्ट हैंड में हम ये लिखते हैं, दोनों स्टेटमेंट का जो मीनिंग होगा वो एक ही होगा, a प्लस इक्वल टू बी। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया है, चाहे हम इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। अभी हम ऐसे प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे और उसको भी चेक कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इसी प्रकार हम माइनस यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार प्लस यूज किया ये भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होगा, चाहे हम लिखे a माइनस बी लिख दें या फिर लिख दें a इक्वल टू a माइनस बी। हमको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की फैसिलिटी मिल रही है, a इक्वल टू b, जो इतनी ये इक्वल टू प्रोसेस जो हमको लगाना पड़ रहा है वो हमको नहीं लगाना है, एक साथ हम लिख सकते हैं माइनस और इक्वल टू बी, ये शॉर्ट हैंड। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे उनको सभी को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से उनको जाना जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का हम बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन में आपका ये सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बी, या हम लिख सकते थे ए इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी। ऐसे ही हम डिवाइड का यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, सेम, चाहे ये स्टेटमेंट दें चाहे ये, तो दोनों का सेम। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का जो मेन मीनिंग निकल के आया वो ये आया कि राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में जाकर के क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, चाहे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करें या फिर हम क्या यूज करें, असाइनमेंट। ओके, ये हमारा हुआ असाइनमेंट। अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने आज आपको बताया, आज हम दो ऑपरेटर सीखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और साथ में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज बात करते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर सीख लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, वन से बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। डबल प्लस साइन क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आप नोट कर लें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय वन, वन से आपकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डबल प्लस साइन को क्या कह देते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डबल माइनस साइन को क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाय एक से वैल्यू घट जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, पहले a बराबर 10 है और यदि हमने लिख दिया a प्लस प्लस, ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, इंक्रीमेंट हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ लिख दूं a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू चूंकि 10 थी तो 10 में ही मैं घटा रहा हूँ, तो 10 में यदि घटाएंगे हम तो कितनी बचेगी, 9। ओके, और a बराबर यहाँ पे भी मैंने कितना माना है, 10। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वन से इंटीजर की वैल्यू को बढ़ाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वन से वैल्यू को क्या करता है, घटाता है। ओके,
अब इसमें भी जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे ऑपरेटर होते हैं, दो कैटेगरी पाई जाती है। दो कैटेगरी कौन सी होती है? द प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर यू टू इंक्रीमेंट बाय वैल्यू इंटीजर क्वांटिटी बाय वन, दिस सिंबल कैन बी प्लेस आइदर बिफोर और आफ्टर इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी अलग हो जाती है। इस सिंबल को हम जो वेरिएबल होगा उसके बिफोर भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे ये वेरिएबल है तो इसके मैं आफ्टर अभी यूज किया हूँ, ये आफ्टर भी यूज कर सकता हूँ और इसके बिफोर भी यूज कर सकता हूँ। आफ्टर और बिफोर में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट। ओके, इफ द ऑपरेंड प्रोसीड बाई प्लस प्लस ऑपरेटर देन इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। यदि पहले हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? प्री इंक्रीमेंट। यदि ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में यूज होता है तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? प्री इंक्रीमेंट। ओके, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट होगा। ओके, एंड इफ ऑपरेंड फॉलो बाय ऑपरेटर प्लस प्लस इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। यदि ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर यूज किया जाता है ये, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? पोस्ट इंक्रीमेंट। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्या हुआ? पोस्ट इंक्रीमेंट। यदि ऑपरेटर बहुत सिंपल में, यदि ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, मैं समझा चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, आप जानने लगे हैं। ये जो सिंबल होते हैं, ऑपरेटर है जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ऑपरेंड है। यदि ऑपरेटर पहले है ऑपरेंड बाद में है तो प्री इंक्रीमेंट, यदि ऑपरेंड पहले है ऑपरेटर बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। आप समझ गए, दो प्रकार के इंक्रीमेंट पाए जाते हैं, प्री इंक्रीमेंट और आपका दूसरा कौन सा होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? जब ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में। और यदि पोस्ट इंक्रीमेंट की मैं बात करूं तो पोस्ट इंक्रीमेंट आपका क्या कहलाएगा? पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका ऑपरेंड पहले और ऑपरेटर बाद। तो अभी मैंने यहां क्या यूज किया था देख लीजिए आप, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया था। इन दोनों का जो मीनिंग है सेम है कि वन वैल्यू पे इंक्रीमेंट करते हैं। यदि इन्हीं को मैं डिक्रीमेंट में यूज करूंगा वन माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे, वन माइनस करेंगे। लेकिन प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों की प्रोसेस में अंतर है, दोनों के इंक्रीमेंट करने के तरीके में अंतर है। वो तरीका क्या अंतर है उसको मैं आपको समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, अभी हमने लिया नहीं, y की वैल्यू में प्लस प्लस x स्टोर किया। कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ? प्री इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ऑपरेटर पहले है और आपका ऑपरेंड बाद में है, तो ये प्री इंक्रीमेंट हुआ। अब प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा? इन दिस केस वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स वुड बी 6। यहाँ पे दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 6। यदि मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मुझको क्या मिलेगा? 6। और यदि मैं एक्स की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 6, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। बहुत नॉर्मल का कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं, आप मानिएगा। प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट कर देगा, ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि x की वैल्यू पहले बढ़ा दिया, कितनी हो गई? 6 हो गई। और इसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद फिर y में स्टोर किया तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? 6 मिलेगी, क्योंकि उसने पहले क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया, बाद में वैल्यू को असाइन। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसलिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। ऐसे ही डिक्रीमेंट में होगा, यदि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते तो दोनों में 4 4 मिलता, एक वैल्यू घट जाती,
चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, प्रोसेस दोनों की सेम। अब इन केस यदि हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं, सपोज इफ वी री राइट द अगेन स्टेटमेंट लाइक दिस, इसको x बराबर फिर हमने क्या माना 5 और हमने लिखा y इक्वल टू x प्लस प्लस, यानी कि अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, पहले मैंने क्या यूज किया प्री इंक्रीमेंट, अब मैंने यूज किया पोस्ट इंक्रीमेंट, देन द वैल्यू ऑफ द x वुड बी 6, अब x की वैल्यू 6 एंड y वुड बी 5, और y की वैल्यू क्या मिलेगी 5, x की वैल्यू तो यहां क्या मिल गई 6, लेकिन y की वैल्यू आपको क्या मिली 5, क्यों y रीजन, क्या कारण है कि y की वैल्यू हमको 5 मिली, बहुत नॉर्मल तरीके से समझिएगा। अब इसने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया, इसने पहले वैल्यू को असाइन कर दिया बाद में इंक्रीमेंट किया, पोस्ट का मतलब है बाद में, पहले y ने जाके स्टोर कर दिया, बाद में x की वैल्यू को क्या करा दिया बढ़ा दिया, यानी कि सिंपल सी बात है, तो जब पहले स्टोर कर देगा तो y में कितनी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 ही थी, बाद में x की वैल्यू अपनी वैल्यू से बढ़ा लिया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 6। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। प्री का मतलब पहले, पहले इंक्रीमेंट करता है बाद में स्टोर करता है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। पोस्ट में क्या होता है, पहले साइन कर देता है बाद में इंक्रीमेंट करता है, पहले वैल्यू को असाइन कर दिया बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, पोस्ट मीन्स बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, इसलिए जो वेरिएबल में हम असाइन करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी कम मिलती है, और स्वयं की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। वही कहानी है कि यदि पैसा हमें किसी को देना है, यदि हम बढ़ा के देंगे तो हमें भी उतना मिलेगा उसको, और ये क्या करता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले उसको कम दे देता है अपने भी बढ़ा लेता है, ऐसा भी हो जाता है। तो प्री और पोस्ट, ओके, सीधी सी बात है, यदि आपको कहीं पे खाना हो तो यदि आप दोनों प्लेट सेम लगा लेंगे तो आपको दोनों को सेम रसगुल्ले मिलेंगे, पहले से ही लगा लिया, लेकिन यदि आप अपनी प्लेट कहेंगे मैं बाद में लगाऊंगा आप खाइए, तो उसमें क्या करेंगे आप अपनी प्लेट में बढ़ा लेंगे। वही तो यहाँ कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, वाई वाले को दे दिया आप नाश्ता करिए, और जब अपनी प्लेट का नंबर आया तो अपने में बढ़ा लिया, तो अपने में इंक्रीमेंट कर दिया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। और यदि उसी के सामने दोनों लगाई गई होती प्लेट, पहले से ही लगाई गई होती, तो दोनों की वैल्यू क्या होती सेम। तो आप समझिएगा, यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइएगा, मैं फिर से प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट समझाऊंगा, इसका एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन आज जो एग्जांपल अभी मैं बताने वाला हूं वो कौन सा है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, और कल इन दोनों का एग्जांपल मैं बताऊंगा, कल का जो मेरा वीडियो होगा पहले इन दोनों का एग्जांपल होगा, इसके बाद अगला ऑपरेटर हम सीखेंगे, यानी कि पहले मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल बताऊंगा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को क्लियर करूंगा एग्जांपल बना करके, और साथ में इसके बाद इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का भी एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा आज, या तो एक काम करते हैं आज मैं दो एग्जाम्पल आपको अभी बता देता हूँ, टाइम है मेरे पास, कल मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने जाएगा। आज मैं अभी एक पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्कैनर के साथ बता देता हूँ, और आपका स्टार्ट हैंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बता देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का कल देख लेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल बनाने के लिए। मैंने ओपन किया टर्बो सी, सही भी बनाया है, लेकिन मैं एक बार इसको शुरू से बता देता हूँ, कमेंट मैं नहीं लिखता हूँ, कमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करिए, कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, इनपुट conio.h, ओके, वाइट में, और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, हमको P चाहिए, एक इंटरेस्ट को रखने के लिए चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट IS मैंने ले लिया, P ले लिया, R ले लिया, T ले लिया,
वेरिएबल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमको स्कैनअप यूज करना है, तो मैं यहां सीधा लिखूंगा int principal amount, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओके, और यहां पे सेमी कॉलम दिया, सीधा स्कैनअप यूज किया मैंने, डबल कोटेशन, इंटीजर में भी ले रहा हूं, फिर आपको इसको आज फ्लोट में चेंज करना है, मैं इंटीजर में बता दे रहा हूं, आप लोग फ्लोट में चेंज करिएगा जिससे पॉइंट में भी आ जाए, ओके। और यहां पे हमने क्या लिया, किस में हमको लेना है, बी में, एम परसेंट बी सेमी कॉलम, ऐसे ही मैंने लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट आर, टाइम के लिए वो स्कैनअप कर लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ के ऊपर लिख दूंगा स्कैनअप, इसके ऊपर प्रिंट एफ, हम चाहे तो एक ही प्रिंट एफ में इनपुट ले सकते हैं, वो बता दूंगा, लेकिन अभी मैं अलग अलग ले रहा हूँ, इंटर रेट, ओके, ये लिख दिया, स्कैनअप रेट में आ जाएगा, फिर मैंने प्रिंट एफ लिया, और क्या इंटर कराना है हमको, इंटर रेट हो गया हमारा टाइम, डबल कोटेशन सेमी कॉलम स्कैनअप परसेंटेज डी कॉमा डबल कोटेशन एम परसेंट टी, ये हमारे तीन अमाउंट आ गए। हम क्या मूलधन इंटर करेंगे, रेट इंटर करेंगे और टाइम। अब हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सीधा कर देंगे, जो फार्मूला है हमारे पास पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ओके। अब हमको प्रिंट कराना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल परसेंटेज डी डबल कोटेशन कॉमा एस आई, ओके, ये प्रिंट करा देंगे। और इसके बाद हमको नेट टोटल अमाउंट भी मैंने बोला था, तो ग्रांट टोटल, ग्रांट टोटल स्लैश एन भी लगा देता हूँ जिससे लाइन चेंज हो जाए, ग्रांट टोटल इक्वल सिंपल इंटरेस्ट तो हमको दिखी गया, दोनों में प्लस करा देते हैं, एक साथ हो गया सिंपल सा, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। ग्रांट टोटल में हमको क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सीधा लिख देता हूँ, हमारा एक तो पी प्रिंसिपल अमाउंट आया और दूसरा क्या आ गया, एस आई आ गया, ये दोनों जोड़ करके यहाँ पे प्रिंट हो गए, और गेट सी एच, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, ओके, एक टू से सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, ओके, सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी, इसको रन किया मैंने, रन एरर क्या है चेक करें आप, सेमी कॉलम मिसिंग, ऐसे आप फाइंड आउट किया करिए एरर, जब यहाँ बताता है तो यहाँ आपको बताता है, इंडिकेट करता है, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ, स्टेटमेंट ऑफ मिसिंग सेमी कॉलम, यानी कि उसने बताया कि सेमी कॉलम मिस है, मैंने सही किया, सक्सेस हुआ, रन किया, प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया 5000 रुपये, और रेट 5 × 5 60 रुपये बनी, और ग्रांट टोटल हो गया 4940 -60 रुपये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि मैं क्यों आएगी ये भी बता दूंगा, बहुत छोटा सा मैं कैलकुलेशन पहले करके आपको दिखा रहा हूँ, 1 दिया 2 दिया 2 दिया, देखिए आपकी सही आ गई, 40 रुपये ब्याज हुई 1040, और यदि आप बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आप देखिएगा इंटीजर की रेंज फिक्स है 32,767,
यदि माइनस यदि आप यूज करते हैं उससे ज्यादा की वैल्यू यूज करते हैं तो कैलकुलेशन आपको गलत मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर की रेंज फिक्स है। जब मैंने डेटा टाइप आपको पढ़ाया उस समय रेंज बताई थी, इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यदि हमको और अधिक कैलकुलेशन करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना होगा। तो ये मैंने इंटीजर में बताया, अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करके दिखा देंगे, तो फ्लोट डेटा टाइप। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से मैं रन करके, यदि आप छोटा कैलकुलेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 32,000 से अधिक का यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट डेटा टाइप। इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। और यदि अब बचा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से आपको, बाकी आप फिर चला लीजिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पर डे यूज करते हैं, आपने देखा ही, कोई भी प्रोग्राम बना देंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहला जाएगा। जैसा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ए बराबर जैसे हमने बी लिया और उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 कर दिया मैंने, ये कामा बी दो वेरिएबल मैंने लिया, तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो गया, ए बराबर 10, असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपका यूज हो गया। अब इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, दोनों की मीनिंग सेम होगी। यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज डी काम, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ एक ही ऑपरेटर में मैं समझा देता हूँ अभी फिलहाल, यदि मैं यहाँ लिख दू क्या ए इक्वल ए प्लस वन, ओके, और सेमी कॉलन और गेट, इसी प्रोग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर आप जितने शॉर्ट हैंड है सभी के एग्जाम्पल बनाएंगे और मुझे स्क्रीनशॉट दे देंगे। कैसे, मैंने इसको रन किया, ओके, कितना मिला मुझे 11, ठीक है। अब इसी की जगह मैं शॉर्ट हैंड यदि ऑपरेटर यूज कर दू, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया कि प्लस इक्वल टू, तो भी मुझको क्या मिलेगा 11, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ऐसे ही जितने भी ऑपरेटर मैंने बताए, यदि इसी में माइनस यूज कर दूंगा तो नहीं, या तो मैं ऐसा लिख दूं या तो फिर मैं ऐसा लिख दूं ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों का सेम सेम मीनिंग। तो आप जितने भी हैं सभी के लिए अगर प्रिंटेप लिख के आप पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हमारा एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर तक हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कल की क्लास में मैं बताऊंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको समझा दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता, प्री इंक्रीमेंट क्या होता, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ मुझे एग्जांपल्स बताना है, कल मैं पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एग्जांपल ही समझाऊंगा, साथ में आज आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना है और उसके स्क्रीनशॉट को भेजना है। ओके, इसमें इस राइट हैंड ऑपरेटर में सभी के अलग अलग प्रिंटेप लिख के प्लस माइनस जो भी इनके जितने भी मैंने बताए हैं उनके सभी के यहाँ पे प्रिंटेप देकर, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार इनटू का, एक बार डिवीजन मॉडुलस, सभी के प्रिंटेप यूज करके राइट हैंड ऑपरेटर यूज करके आपको डिस्प्ले करके उसकी स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, यदि इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें मुझे।